हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो हमारे चैनल पे और एक बैंजो बन चुका है तो पूरा प्रोसीजर इस वीडियो में बता दिया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो सबसे पहले बटन बनाने के लिए ये एल्यूमिनियम का पट्टी ले लिया है, 1 इंच का ये पट्टी है। तो जहाँ पर भी ये बेंड हुआ था वहाँ पर हैमर के इस्तेमाल से हमने ये पट्टी को पूरा सीधा कर लिया है। तो जैसे हम अभी इस टाइम छोटा वाला बैंजो बना रहे हैं तो 12 बड़े बटन्स और 10 छोटे बटन्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया जा रहा है। तो छोटे बटन्स के लिए हम 6 सेंटीमीटर का पट्टी काट के ले रहे हैं और बड़े बटन्स के लिए 8 सेंटीमीटर का पट्टी काट के ले लेंगे। तो जैसे ही आपको वीडियो में दिख रहा है एक पट्टी से हम 2 बटन्स बना, तो ये किस तरह से किया गया है आगे आपको वीडियो में दिखाई देने ही वाला है। तो अभी आगे इसको कट करने के लिए ये पकड़ का इस्तेमाल किया है। ये पकड़ से काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है कि वो पट्टी स्ट्रेट टू स्ट्रेट कट हो जाए। दूसरे साइड से आपको उसी तरह से कट कर लेना है जिसे हमने पहले साइड में किया था। अभी आप देख लीजिए कि एक पट्टी से हम 2 बटन कैसे बनाएंगे। तो ये जो सेंटर वाला जो पट्टी है उसे हम एक्स्ट्रा पीस के दौर पे कट कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा एक बटन जो है वो रेडी हो चुका है। उसी तरह से वो सेकंड वाला पीस भी कट करके सेकंड वाला भी एक ही पट्टी से रेडी कर लेंगे। इस तरह से ये कुछ दिखाई देता है। इसको भी हैमर मार के थोड़ा सीधा कर लेंगे ताकि वो अच्छे तरह से काम करे। तो अभी सारे बटन्स रेडी होने के बाद हमने उसको एक लाइन में अरेंज कर दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस तरह से वो बनाए गए हैं। ये हमारे छोटे बटन्स अभी रेडी हो चुके हैं। एक आधा बटन आप एक्स्ट्रा भी बना सकते हैं। अभी जितना भी प्रोसेस आपने छोटे बटन्स के लिए देखा था 6 सेंटीमीटर वाले बटन्स के लिए, उसी तरह से आपको सेम प्रोसीजर दोहराना है बड़े वाले बटन्स के लिए। तो अभी हम हमारे बैंजो के अनुसार 12 बड़े वाले बटन्स बना रहे हैं, तो आप एक आधा एक्स्ट्रा भी ले सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लिया हुआ है। तो अभी सेम हम पेंसिल से मेजरमेंट ले लेंगे कि किस तरह से हमें बड़े वाले बटन्स चाहिए। तो इस तरह से हमने मेजरमेंट अभी पेंसिल से ले लिया है, वही पेंसिल के मेजरमेंट पर आपको कट कर देना है। ये जो एल्यूमिनियम का मटेरियल है आपको कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा। बैंजो के लिए रेडीमेड बटन्स भी अवेलेबल है। आपके नज़दीक में कोई शॉप में अगर आपको मिल भी रहा होगा तो आप वो भी ख़रीद सकते हैं, या फिर नहीं होगा तो आपको ये वाला ऑप्शन है कि आप घर पे ही बना लीजिए। तो यहाँ पर हमारे दोनों बटन्स रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। इसको भी हैमर करके थोड़ा सीधा कर लेंगे इस तरह से। ये एल्यूमिनियम का पीस कट करने के लिए जो हमने पकड़ यूज़ किया है वो ये वाला पकड़ है, आप देख सकते हैं। ये भी आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, बहुत ही आसानी से काम हो जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे सारे बटन सब रेडी हो चुके हैं। हमने 2-2 बटन्स एक्स्ट्रा ही बनाए ताकि आगे जाके कोई एक आधा बटन ख़राब भी हो जाए तो दूसरा हम रिप्लेस कर सकते हैं। अभी बटन पट्टी में अटकाने के लिए जो हमारा आगे का जो एलिवेशन होता है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि 1.5 सेंटीमीटर का हमने गैप छोड़कर वहाँ पर एक ऐसा वी बना लिया है जिस तरह से वो बटन पट्टी में अटक सके। सारे बटन्स को आपको इसी तरह से पूरा कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं कि सारे बटन्स हमने उस तरह से कर लिए हैं। ये हमारे जूने वाले बैंजो मेकिंग वीडियो में भी आपको बताया गया है, यहाँ पे आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आगे हम अभी बटन में एक खाँचा ले रहे हैं जिस खाँचे में हमारा बटन अटक के बटन पट्टी से बाहर आने से रोका जाता है। तो ये वाला वो खाँचा है, आप देख सकते हैं वो भी किस तरह से उसी पकड़ की मदद से किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो खाँचा इस तरह से कुछ दिखाई देता है। यहाँ पे हमारा एक कॉमन तार जाएगा पूरे बटन पट्टी में जहाँ पे बटन बाहर आने से रोका जाएगा। ये सारे बटन्स करने के बाद कुछ इस तरह से दिखते हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी बटन्स का थोड़ा ही काम बाकी है। हमारे जूने वाले बैंजो का जो एक्रेलिक मटेरियल था वो थोड़ा बचा था तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। ये जो एक्रेलिक मटेरियल है इसे हमने लास्ट टाइम ही फाइलिंग करके रख दिया था ताकि हमें आगे जाके तकलीफ़ ना हो। तो इसे हम खाँचा लेकर सीधा फेविक्विक की मदद से या फिर कोई भी ग्लू की मदद से बटन पट्टी में चिपका देंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेक्सक्विक का यूज़ कर लेंगे। तो वीडियो के स्टार्टिंग से हमने जो एल्यूमिनियम की पट्टी से बटन्स बना के रखे थे वो हम हैमर की मदद से इस एक्रेलिक के पीस में थोड़ा ठोक देंगे और इसको एक आधा ड्रॉप फेविक्विक डाल के फिक्स कर लेंगे।
सारे बटन्स को आपको इसी तरह से पूरा चिपका लेना है। तो सारे बटन्स चिपकाने के बाद हमारा बटन्स तो 100% रेडी हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से वो पूरा चिपकाया गया है। तो अभी आगे का काम कर लेते हैं। मार्केट से लकड़ा लेके आ चुके हैं, ये लकड़े से तो हमारा बैंजो का बेस बनेगा, तो वो तो आपको देखने से ही पता चल जाएगा। ये दो पट्टियां, हमें साइज का पट्टी नहीं मिल रहा था, इसलिए ये पट्टी को हम ऐसे जॉइंट मार के इसका रीढ़ पट्टी बनाएंगे। और ये दोनों पट्टी आपको तो पता ही, ये बटन पट्टी के लिए दो पट्टियां लगती है, तो ये दोनों जॉइंट करके हम इसका बटन पट्टी बना लेंगे। गाइस, ये बटन पट्टी के लिए दो पट्टियां चूज की है। ये ऐसा लंबा 17 इंच लिया हुआ है और ये 15.5 इंच लिया हुआ है। ये जो पट्टी है ये इसके ऊपर ऐसा चिपक जाएगा और हमारा जो बटन का खाँचा रहता है वो ये वाले पट्टी में सब खाँचा खाँचा आएगा। तो अभी आती है मेजरमेंट के बारे। मेजरमेंट मैंने लेफ्ट साइड में आपको पिक दे दिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो जैसे ही आपको पता होगा कि रीढ़ पट्टी का जो मेजरमेंट है वही बटन पट्टी पर कॉपी करना होता है, तो वही प्रोसेस यहाँ पर चल रहा है। तो जैसे ही मैंने आपको बताया कि साइज़ का पट्टी ना मिलने के कारण हमारा जो रीढ़ पट्टी है उसे हम दो पट्टियों के मदद से थोड़ा जाड़ा बना रहे हैं, तो वो दो पट्टियां हमने अभी चिपका दिए। तो अभी इसे खिला मार देते हैं। तो अभी वो जो खिला था वो अगले साइड से बाहर आ रहा था, तो इसके लिए हम उसको आधा ही वहाँ पर कट कर देंगे। तो अभी रीढ़ पट्टी का क्या साइज़ लिया हुआ है आप देख सकते हैं, उसका लंबाई 15.5 इंच है और जो चौड़ाई है वो भी आप देख सकते हैं। स्केल की मदद से स्केल रखकर हमने आपको बता दिया है कि ये लगभग 1 सेंटीमीटर या फिर 0.9 सेंटीमीटर के आसपास है। और जो रीढ़ पट्टी का ऊंचा वाला सिरा जो होता है वो हमने रखा है 1.3 सेंटीमीटर, मतलब 13 mm का। तो इस तरह से हमारा मेजरमेंट है रीढ़ पट्टी का। तो अभी मेजरमेंट के हिसाब से रीढ़ पट्टी को सारे मेजरमेंट्स पर कट कर लेंगे। अभी कटिंग होने के बाद हम एल्यूमिनियम का छोटा छोटा टुकड़ा कट कर लेंगे, उसे हम वो कटिंग्स में ठोक देंगे ताकि हमारी रीढ़ पट्टी भी रेडी हो जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सारे कटिंग्स में वो छोटे एल्यूमिनियम के टुकड़े हमने ठोक दिए हैं। और लास्ट वाला जो हमारा ब्रिज होता है बड़ा वाला, वो भी हमने किस तरह से बनाया है आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा रीढ़ पट्टी का भी काम पूरा हो जाता है। ये जो सारे दांत आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे एक ही लेवल में होने चाहिए, तभी आपका बैंजो अच्छा बजेगा। तो फाइल के मदद से आपको ये भी चीज़ कर लेना है। तो अभी आगे बढ़ते हैं बैंजो बेस की तरफ। बैंजो बेस को हमने ये वाला शेप दे दिया है, तो आपको अगर कोई अलग शेप करना होगा तो आपके मन के हिसाब से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो अगला जो बैंजो पार्ट है हमारा वो है बटन पट्टी। तो बटन पट्टी के लिए जो हमारे होल्स रहते हैं वो होल्स के लिए मेजरमेंट लिया जा रहा है, तो वो जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वहाँ पर हमारा ड्रिल रहेगा। तो अभी बटन पट्टी के सारे इंटरसेक्टिंग लाइंस पे हम छोटा हिला लेकर हम होल बना रहे हैं ताकि ड्रिल हमारा स्लिप ना हो। ऐसे ही आपको सारे बटन्स के लिए कर लेना है। तो अभी आता है सवाल कि ड्रिल कौन से साइज़ का इस्तेमाल करें। तो आपकी जो स्प्रिंग आप यूज़ करोगे, स्प्रिंग से एक साइज़ बड़ा आपका ड्रिल होगा, तो स्प्रिंग का आपका जो मोमेंट है वो बहुत फ्री होना चाहिए। और यहाँ पे हमने एब्रोटेप का इस्तेमाल किया है, ड्रिल पे एब्रोटेप लगा दिया है ताकि हमें डेप्थ का पता चले कि कितना डीप हमारा होल रहने वाला है। इसी तरह आपको सारे होल्स गिरा लेने हैं। और जैसे ही आप बटन पट्टी के ऊपरी भाग पर आते हो तो आपको वहाँ पे ड्रिल ज़रा ध्यान से मारना है ताकि वो पट्टी हमारी फूट ना जाए। तो अभी सारे बटन्स को पकड़ने वाला जो एक कॉमन तार होता है जिसकी मदद से हमारा बटन अंदर ही अटका हुआ रहता है और वो बाहर निकलता नहीं, तो उसके लिए ये हमने एक छोटा सा एक चीज़ बना लिया है जिसकी मदद से हम पूरा एक लाइन खींच सके। तो ये लाइन का थिकनेस और डीपनेस आपके तार के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना जाड़ा वाला तार यूज़ करते हो। आपको इतना डीप करना है कि एक तार उसमें फिट हो जाए और हमारा बटन बाहर नहीं निकल पाए। तो अभी आगे हम बटन पट्टी में सारे खाँचे गिरा लेंगे जहाँ पे हमारा बटन फंसने वाला है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो खाँचा इतना जाड़ा होना चाहिए कि आपका बटन का मूवमेंट वहाँ पे फ्रीली हो सके। सारे बटन्स को आपको वैसे ही खाँचा पूरा गिरा लेना है पूरे बटन पट्टी पर। तो अभी बारी आ जाती है बटन्स लगाने की। तो बटन्स लगाने के लिए पहले ही हम वो छोटे छोटे जो खिले हैं वो मार ले रहे हैं ताकि हमारा जो तार लगाने के बाद वो खिला बेंड कर देंगे हम, तो हमारा बटन फिक्स हो जाए। आगे आपको थोड़ा ध्यान से काम करना है ताकि हमारा जो छोटा छोटा खाँचा है वो टूट ना जाए। तो स्टार्टिंग में हम तार लगा के एक खिला बेंड कर देंगे,
तो इस तरह से हमारा स्प्रिंग अंदर डालकर हमें उसके ऊपर बटन पट्टी रख देना है और जो हमारा तार है वो खींच कर हथौड़ी लेकर वो खिला जो है वो बेंड कर देना है ताकि उसका मूवमेंट एकदम फ्रीली हो सके, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिख रहा है। तो हमने हथौड़ी लेकर वो खिला जो है मूवमेंट अच्छा हो रहा है, इसकी वजह से वो खिला भी बेंड कर दिया है। तो इसी तरह से आपको सारे बटन्स कर लेने हैं। तो एक और बटन आप देख लीजिए कि वो भी किस तरह से लगाया है। वो स्प्रिंग को दबाकर उसके ऊपर बटन का जो पट्टी है हमारा वो रख दिया है, तार को भी बेंड कर दिया है, मोमेंट भी हो रहा है अच्छा खासा, तो हम वो जो खिला है उसको भी बेंड कर देंगे। इस तरह से आपको सारे बटन्स लगा लेने हैं। तो अभी आगे हम रीड पट्टी है वो फिक्स कर लेंगे हमारे बैंजो के बेस पर। तो 1.5 इंच स्क्रू हमने यहाँ पर यूज़ किया है। पूरे बटन पट्टी पर आप 3 या 4 स्क्रू मैक्सिमम लगा सकते हैं। तो हमने लकड़ी के छोटे 2 पीस लिए हुए हैं बटन पट्टी को फिक्स करने के लिए, और उसका हाइट इस हिसाब से रखा है कि बटन पट्टी रख कर हमारा जो स्पेस मिल रहा है बटन को प्रेस होने के लिए उसका भी हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। तो अभी हम ट्राई कर लेते हैं बटन पट्टी रख कर कि प्रॉपरली फिट होता है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रॉपरली फिट हो रहा है। तो हमने अभी एल्यूमिनियम का एक टी पट्टी लिया हुआ है जिसके मदद से हमारा मेन तार और झाले का जो मेन ब्रिज रहता है वो हम यहाँ पे बना सके। आप देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। तो यहाँ पे हमने एल पट्टी के 4 पीसेस छोटे कट कर लिए हैं जिसके मदद से हमारा झाले का जो ब्रिज रहता है वो भी तैयार हो सके। तो अभी यहाँ पे तार टाइट करने के लिए जो हमारी चाबी लगने वाली है उसके लिए हमने ये होल्स ड्रिल कर लिए है। तो बैंजो के चाबी में 2 होल्स रहते हैं, तो 2 होल्स में 2 स्क्रू मारकर आप चाबी को आसानी से फिट कर सकते हैं। तो बैंजो की ये चाबी आपको कोई भी म्यूज़िक स्टोर या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे बनता है वहाँ पे आसानी से मिल सकती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो इसी तरह से आपको सारी चाबियाँ लगा लेनी है। बैंजो का झाला 4 तारों का होता है, तो हमने 4 तार के लिए 4 चाबियाँ लगा दी है। आगे हमारा जितना भी लकड़े का जो सामान है बैंजो का पूरा उसको हम ये वाले मिट्टी से कर देंगे पॉलिश। जहाँ पे पेंटिंग का सामान अवेलेबल होता है वो वाले शॉप में जाकर आप ये वाली मिट्टी ले सकते हैं। तो ये वाली मिट्टी आपको थोड़ी ले लेनी है, उसमें पानी डालकर आपको मिक्स कर लेना है और एक कपड़े की मदद से पूरे बैंजो पर आपको लगा देना है। इसे आप धूप में भी सुखा सकते हैं, सूखने के बाद कुछ ये इस तरह से दिखाई देता है। तो अभी हम यहाँ पर बैंजो का जो मेन तार होता है उसके लिए 2 चाबियाँ लगती है। तो 2 चाबी के फिटिंग के लिए हमने ये 2 एल्यूमिनियम के पीसेस लिए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो ड्रिल किया गया है ताकि वो दोनों चाबियाँ फिट हो जाए। तो अभी हमारा बैंजो बेस बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गया है, तो अभी हम इसके ऊपर पॉलिश लगाने वाले हैं। पॉलिश आपको वही पेंट के शॉप में आसानी से मिल सकता है, वो पॉलिश आपको कपड़े की मदद से लगा लेना है पूरे बैंजो के ऊपर। तो ये पॉलिश का आपको एक हाथ मार के आपको बैंजो आपका धूप में रख देना है। सूखने के बाद पॉलिश का और एक हाथ हम मारेंगे तो हमारे बैंजो की चमक और ही ज़्यादा बढ़ जाए। तो अभी हमने ये कलर लिया हुआ है, ये कलर को मीठा पीला बोला जाता है। ये कलर आपको पेंट के शॉप में मिल जाएगा। तो ये वाला कलर जो है आपको पॉलिश में थोड़ा थोड़ा मिक्स करके लगाना है। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से किया जा रहा है। पहले आपको कपड़ा पॉलिश में डुबाना है और फिर थोड़ा सा ही कलर में डुबा कर आपको अप्लाई कर देना है। आपको अप्लाई इस तरह से करना है कि सारा कलर इवनली सारे जगह पर लग जाए, एक ही जगह पर ज़्यादा कलर लग जाएगा तो वो दिखने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो अभी अपना बैंजो का कलरिंग ऑलमोस्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं थोड़ा ही पार्ट बचा है वो भी अभी पूरा हो गया है। और आप देख ही सकते हो कि बैंजो की खूबसूरती इससे 100 गुना बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कलर करते समय आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई पार्ट कलर कर रहे हो तो आपके हाथ का फ्लो एक ही डिरेक्शन में हो ताकि एक अच्छा सा टेक्स्चर आ जाए अपने बैंजो पर और जो दिखने के लिए भी बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अभी कलरिंग हमारा यहाँ पर पूरा हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा बैंजो किस तरह से दिख रहा है। तो अभी आगे हम एक वार्निश का हाथ मारेंगे। ये एशियन पेंट्स का वार्निश लिया हुआ है, तो इसे आपको कोई कपड़े से अप्लाई न करते हुए आप 1 इंच वाला ब्रश भी ले सकते हैं या फिर जाड़ा ब्रश भी यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। इससे जो है हमारा बैंजो बहुत ही ज़्यादा शाइन करेगा, आपको रिजल्ट्स आगे देखने ज़रूर मिलेंगे। तो अभी आगे ये हमारे बैंजो के जो सारे स्पेयर पार्ट्स है वो आपको अभी एक बार दिखा देते हैं। ये जो पहले एक्रेलिक का वो जो गया वो हैंड सपोर्ट था, ये जो 2 पट्टियाँ वो बैंजो के साइड में लग जाएंगी। ये हमारा बैंजो का मेन तार का सपोर्ट है, ये झाले का ब्रिज है और आगे आपको जो दिखाई दे रहा है वो मेन तार टाइट करने के लिए चाबियाँ है। तो अभी बैंजो की असेंबली चालू हो चुकी है। बैंजो का जो मेन तार का सपोर्ट है
वो हमने अभी फिट कर दिया है। अभी ये झाले का ब्रिज लग रहा है, आप देख सकते हैं दो स्क्रू की मदद से उसे फिट किया जा रहा है। अभी ये साइड की पट्टियाँ आप सोच रहे होंगे किस लिए लगाई है, तो वो बैंजो की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए लगाई गई है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके बगल में और एक एल्यूमिनियम का पट्टी लगाया जा रहा है, तो वैसे ही दोनों ऑपोजिट साइड में भी लगाए जाएंगे ताकि जो हमारा बैंजो है वो पूरा भरा भरा लगे और दिखने में भी खूबसूरत दिखे। तो अभी ये एक साइड का लगा के हो चुका है, तो अभी ऑपोजिट साइड में लगाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चार स्क्रू की मदद से उसको फिट किया जा रहा है। अभी ये हमारा मेन बैंजो का जो पार्ट है जिसकी वजह से हमारा बैंजो बचता है वो है रीड पट्टी, तो उसके फिटिंग अभी चल रही है, तो उसे भी हमने चार स्क्रू की मदद से फिट किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये 1.5 इंच का स्क्रू यूज़ किया हुआ है यहाँ पे। तो अगला बैंजो पार्ट हमारा झाले का जो ब्रिज है वो हम लगा रहे हैं, सिंगल सिंगल तार का ब्रिज। तो ये बहुत ही छोटा होता है तो इसे 1 ही स्क्रू की मदद से लगा दिया गया है। ये 2 चाबियाँ मेन तार और बेस तार को टाइट करने के लिए लगाई गई है, तो उसे भी हमने 4 स्क्रू की मदद से फिट कर दिया गया है, 2-2 स्क्रू दोनों साइड। तो अभी हमारा बैंजो का बटन पट लगाया जा रहा है। तो अभी ऑलमोस्ट सारे पार्ट हो चुके हैं, तो अभी हम तार की फिटिंग कर रहे हैं। तो आगे आपको तार भी किस तरह से फिट की जाती है बैंजो में, तो वो भी आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा। बैंजो का एक जो सिरा होता है वो आपको मेन ब्रिज में अटका देना है, और जो सेकेंड ब्रिज रहता है उसके ऊपर से आपको तार डालकर आगे जो चाबी है वहाँ तक ले जानी है। उसके बाद आपको एक छोटा सा फोल्ड मार देना है तार पे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है, और इस फोल्ड को आपको चाबी के अंदर डाल देना है, और आपको चाबी घुमा देना है तो वो तार ऑटोमेटिकली टाइट होना चालू हो जाएगा। वो तार ऑटोमेटिकली टाइट हो जाता है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। स्टार्टिंग के टाइम पे आपको तार एक हाथ से पकड़ना पड़ता है ताकि वो अच्छी तरीके से टाइट हो जाए, और जब भी तार टाइट होने आता है तभी आपको वो बैंजो के लास्ट वाले ब्रिज में आपको तार रख देना है। बैंजो का आवाज़ सुनने के लिए हेडफोन्स लगा लो ताकि आपको साउंड एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छी तरीके से आए। आपने बैंजो का साउंड सुन ही लिया होगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लगा आपको बैंजो का साउंड, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को। तो अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बात लेकर।